हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा सुबह सुबह। भाई ये झाड़ू पोछे का काम सभी के घर में होता है, हमारे यहाँ भी होता है। भाई कोई घर ऐसा नहीं जिसमें सुबह सुबह झाड़ू पोछे का काम ना हो। तो लेडी को तो काम बस यही है, सुबह उठेगी, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, खाना पीना, सारे दिन बस ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी पूरे घर में बस पहले पोछा निकालना है। थोड़ा सा ना जाली फ्रिज वगैरह के नीचे को हाथ थोड़ा सा कम जाता है, थोड़ा आगे पीछे करके लगाना पड़ता है। जैसे भी हो, मतलब कुल मिला के पूरे घर में भी पोछा लग जाएगा, सारा काम फिनिश हो जाएगा। झाड़ू लगा दी, पूरा घर की डस्टिंग वगैरह कर दी, सिंगवा दिया। जब पूरा घर सिंगवा के डस्टिंग वगैरह करके पोछा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है घर। बस ये देखो पूरा कंप्लीट हो गया है। बच्चे जा रहे हैं बाबा जी के यहाँ खेलने के लिए। हमारे लड्डू गोपाल भी नहा चुके हैं, आज ये वाले कपड़े हमने पहनाए हैं। मंदिर में बैठ गए हैं, अभी कर रहे हैं हम पूजा। दीपक जला लिया था, फिर हम पूजा कर रहे थे तीनों एक साथ बैठ के। और मुझे कहीं जाना है तो इस वजह से मैंने ये वाला सूट पहन के रखा हुआ है। तो चलिए अभी पूजा कर लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए, फिर चाय पानी वगैरह पियेंगे। और बच्चे भी नहा लिए, मैं भी, कायरव अवनी, हम तीनों चारों जने मतलब नहा लिए। और यहाँ अभी जो है कायरव बाबू बैठा हुआ था, उसको मैं बता रही थी ऐसे हाथ जोड़ो, ऐसे पूजा करो। उसको भी हम चीज़ें सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखो अवनी जय लगा रही थी, यहाँ हमने म्यूट कर रखी है क्योंकि बहुत कम हमारी आवाज़ आती है, फिर आप लोग कमेंट्स करते हो। आरती, आप लोगों को बता दूँ मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, उल्टी दिख रही होगी बिल्कुल। तो आप है ना इसको ये मत देख लो मैं उल्टी बना रही हूँ, बस ये फ्रंट कैमरे की वजह से आपको उल्टी दिखाई देती है। तो चलिए पूजा करने के बाद चाय पानी पीते हैं और फिर आपसे बात करते हैं थोड़ी सी। हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कल लगी थी मुझे बोतल, तो डॉक्टर कह रहा था कि आज भी लगानी है, पर मैंने आज मैंने कर दी। मुझे कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, वरना मैं आज बोतल फिर लगवाती। हिम्मत मेरी बिल्कुल भी नहीं है, पर कुछ काम लाइफ में ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल करने ही करने हैं। मान लें किसी की कॉल आ जाए कि बिल्कुल आज इमरजेंसी में काम, कोई काम ऐसे होते हैं कि जिसके बिना चल जाएगा, कोई काम इतने इमरजेंसी हो जाते हैं कि जाना ही जाना पड़ता है, वही हो रहा है। बस मैं नहा ली, सिर धो लिया, ये वाले कपड़े पहन लिए, सुबह से मंड रही, मतलब झाड़ू पोछा कपड़े लत्ते। कल शाम तो मुझे बड़ा दुख सा हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे बेचारे, मेरे पोता लगी 7 साढ़े 7 बजे तक, मेरे बच्चे इतने इधर से उधर उधर से उधर चक्कर काटते रहे, भूखे भी लग रहे थे, मतलब मेरे तो आँखों में पानी आ गया बताने में, भूखे भी लग रहे थे, मुझसे देखे नहीं जाते बिल्कुल भी। अम्मी बेटी बड़ी हिम्मत मारे हैं, भाई को संभालो रखा, मम्मी तुम लेट जाओ, पर फिर भी वे दिखे मुझे फिक्र दे रही। पहले तो मेरे दोस्त सो रहा था कह रहा, फिर जब उठ गया ना जब ज़्यादा दिक्कत रही। अब नहीं बड़ी होगी थोड़ी समझ जाती है, समझदार है, पर मेरी बेटी ना भाई को संभाल लिया इतना, मेरे पुत्र लगे। फिर मेरे हाथ से खाना जैसा भी बना, ये भी नहीं कि मम्मी सब्जी बनाओ, सब्जी से ही खानी है, दूध से खा के सो गए, दूध से खा खा के 4-5 परांठे जो मुझसे बने वही खा के सो गए। ऐसे मेरे बच्चे, मैं कहूँ ना कि चाहे मुझे कितना भी दुख हो, एक पल मैं क्यों भूल जाऊँ या फिर सब कुछ मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या दिखाई दे, बस सिर्फ अपने बच्चे, मैं एक मिनट में फिर अपना सारा दुख भूल जाऊँ। लगा कि मतलब मेरी जितनी भी खुशी जितने भी दुख बस मेरे बच्चों के साथ में, वही बात आ जा घूम फिर के। अभी अब चाय रख रही है, अब नहीं मैं चाय बनाऊँगी जाकर, बस सब चीनी पत्ती वगैरह डालना सिखा दूँ। अभी उसके स्कूल भी नहीं, मतलब कोर्स नहीं मिला अभी स्कूल का, फिर कोर्स मिलते ही स्कूल जाने लगेगी। आज एक बाल्टी भी टूट गई हमारी, एक बाल्टी भी लानी पड़ेगी हमें। हमने पूजा कर ली, देखो पूजा कर ली, सारों ने एक साथ मिलकर करी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, हो सकता है थोड़ी बहुत वहाँ के वीडियो शूट करके जरूर लाऊंगी। कल आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हो गया और मैं घर आ गई, और बस फिलहाल बदलूँगी कपड़े, या तो अब बदलूँगी नहीं कल बदलूँगी, चलो बदल लेंगे कपड़े, इनको बदल देते हैं, और जो कपड़े धुल के गए थे वे उतार देते हैं। इसने यहाँ बाबू जी आ चुके हैं, मेरी बहन जी आ गई, वहाँ जा रही थी ये अपने मामा के यहाँ, अब यहीं पढ़ेगी यहीं रहेगी, ये भी आ गई। बस मेरा है ना जल्दी जल्दी में बाड़ों में रबड़ गई, इतनी भूल गई, ऐसे ही चली गई। अब रबड़ डल लेंगे बालों में, गर्मी लगी बहुत ज़्यादा, बड़ी दिक्कत हुई, मेरे बाल खुले करना बिल्कुल भी रहा।
जत्ता बाल खुले करके। ए बच्चे खा लौट रहे हैं, एक बच्चा पॉपकॉर्न खा रहा है। पॉपकॉर्न खा ले, चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, हाथ में तरह दो। आप लोगों से बात करने के बाद मैं पहुंच चुका है डेयरी पे दूध लेने के लिए। तो डेली का काम है, कभी अवनी लाती है कभी मैं लाती हूँ। तो बस अभी मैं घर निकल गए और हम लोग जो है ना गए थे मुजफ्फरनगर, वहाँ से हम लोग आ गए। मैं आप लोगों को बता भी दूँ, मैंने आप लोगों से आके बात भी की थी, शायद उसके बाद थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट करी है। ये भी मेरे सही तरीके से ध्यान नहीं है, भूल जाती हूँ यार, ऐसा ही हो रहा दिमाग। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए कि अपना ध्यान रखो। कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जो बार बार मुझे जाना पड़ रहा है, बीमारी में भी जाना पड़ा। आज पता कुछ ऐसा हुआ, मुझे बहुत वो लगा कि चलो अगर किसी की मदद हो जाए तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर हमारे पास में अगर वो कोई चीज़ है और किसी को हम दे दें तो शायद भाई उसकी तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाए। यही हुआ, अभी घुमा के बात क्या करना सीधे से बताती हूँ। सुबह मैं ना गई थी मुजफ्फरनगर, तो जैसे मैं जा रही थी इधर से, तो इधर से जैसे हम जा रहे थे तो मैं बस में आगे की साइड बैठी थी, मेरी गोद में कायरव था और अवनी मेरे पास में खड़ी थी। बस में तो आप लोग समझ सकते हो थोड़ी भीड़ रहती है, कोई बात नहीं। हम लोग निकल गए तो वहाँ पे मेरे पास में बिल्कुल जस्ट पास में एक मोमडन लेडी बैठी हुई थी। मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानती कि मोमडन हिंदू हम लोग अलग हैं, या भेदभाव वाली चीज़ें मेरे दिमाग में कभी नहीं रहती, ना मैं कभी ये रखना चाहती है, ना ही ये अच्छी बात है। तकलीफ़ तुम्हारी हो या मेरी हो, तकलीफ़ तकलीफ होती है। तो क्या हुआ, तो मेरे पास में जैसे वो लेडीज़ बैठी थी तो बिल्कुल ठीक ठाक जा रही थी, एकदम से वो नीचे झुकने लगी, ऐसे करके झुकने लगी। तो मैंने सोचा कि पता नहीं इनको क्या हो गया भाई, क्या सिस्टम हो गया एकदम से। तो जो उनके पास में साथ में थी वो बोली कि तुम अपनी दवाई क्यों नहीं लेके आई थी, तुम्हें दवाई लानी थी जब तुम्हें दिक्कत हो जाती है। तो अब उन्होंने कहा मैं खाना भी नहीं खा के आई, तो मैं उन लोगों की बात सुन रही थी, क्या बात होगी, मैं सुनती रही सुनती रही। मैंने कहा मैंने सोचा देखो इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज बनता है, अगर हमारे पास में दवाई है हम किसी को दे दें तो कोई गलत बात नहीं है। तो मैंने कहा कि क्या हो गया इनको, आंटी जी को ऐसे क्यों झुक रही हैं। उन्होंने कहा कि ये एक तो खाना नहीं खा खाई, एक इन्हें गैस की बीमारी है, इनको गैस बन जाता है कभी भी ये अपनी दवाई रखती हैं, आज ये जो है ना इनकी कैप्सूल ख़त्म होगी या फिर घर छूट के जो भी हुआ, मतलब उन्होंने कहा रखती हैं आज भूल गई और ख़त्म भी हो गई, दोनों ही चीज़ें हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा तो दर्द हो रहा है तो भाई गोली दे दूँ, मेरे पास गोली है। कहने लगी गोली तो कैसे बन रहा कैप्सूल। मैंने कहा एक मिनट रुको, पता है मैं अपने पर्स में है ना, अभी भी मेरा पर्स ये रखा देखो मेरे पास में, मैं इसमें से कुछ कर रही थी। मैं अपने पर्स में एक तो गोली, दर्द की गोली का पत्ता अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, एक तो मैं कैप्सूल और एक मैं दर्द की गोली का पत्ता, दो चीज़ मैं अपने पर्स में रखती हूँ हमेशा, क्योंकि कभी कभार ये अगर छूट गया तो देखो, एक तो मेरा दर्द का पत्ता, दर्द की गोली, और भाई मैंने कैप्सूल भी पड़े हुए हैं दो, शायद कहाँ को पड़े हैं समझ में मिल रही है। अभी दिखाती हूँ, यार एक रह गया, दो थे। मैं तीजा आपकी कैप्सूल गोली का पत्ता अपने पर्स में रखती हूँ, क्योंकि मुझे भी कहीं भी सर में दर्द हो जाए दिक्कत हो जाए तो मतलब मैं खा लेती हूँ। तो वही हुआ, उनको बेचारे को दर्द हो गया और मैंने कहा कि चलो गैस बन रहा है तो मैं देखती हूँ, मेरे पर्स में अगर एक भी कैप्सूल पड़ा होगा तो मैं आपको दे देती हूँ, शायद आपको आराम मिल जाए। और भगवान का ऐसा मेहर हुआ कि मेरे पर्स में कैप्सूल निकल गए, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम से देखे नहीं थे या नहीं थे, पर गोली दर्द का पता तो हमेशा ही पड़ा रहा। मैंने बेचारे को उनको एक कैप्सूल दे दिया कि लो आप इन्हें दे दो आंटी जी को, ये खा लेंगी इनका दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। भाई देखो अब मुजफ्फरनगर कम से कम 20 ऐसा होगा जहाँ पर उनका दर्द हुआ, कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता था। अभी वो ये बोल रही थी वो जो पास में लेडी थी, देखो मैंने सारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, बस थोड़ी सी बनाई, कि अगर हम मुजफ्फरनगर तक पहुंचेंगे ना 15-20 मिनट में, मुझे यहीं उतारनी पड़ेगी रास्ते में, और यहीं के यहीं अभी किसी डॉक्टर को आसपास के गांव में दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल काम नहीं चलेगा, इनका बहुत बुरा हाल हो जाए। मैंने कहा मेरे पास है कैप्सूल, मैंने कहा आपके पास पानी है या गाड़ी रुकवाऊँ। कहने लगी हाँ मेरे पास पानी है, पानी लेते सफ़र में। उन्होंने पानी निकाला, मैंने कैप्सूल दिया, उन्होंने बेचारे को भाई वो कैप्सूल खाया। खैर हम लोग मुजफ्फरनगर पहुंच गए, उनका दर्द कम हो गया और फिर वे उतरी, बल्कि उन्होंने उतर के मुझे बहुत धन्यवाद दिया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दवाई दे दी, आप सफ़र में काम आ गया, ऐसे कोई किसी के काम नहीं आता। मैंने कहा देखो यहीं तो देखा जाता है आदमी, अरे मुझे दर्द हो रहा है आप दवाई ले रहे हो तो
आपको थोड़ी सी इंसानियत होगी या आपको ये लगे कि सामने वाला दर्द से करा रहा है, मैं दवाई दे दूँ, किसी की हेल्प हो जाए, कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं अगर मगर किसी को कुछ होता है तो देखो मुझे तकलीफ, सबको मुझे भी महसूस होती है, क्योंकि वो दर्द जो हम पे गुजरता है ना तो हमें उस चीज़ का एहसास होता है। वो दर्द दुख का हो, हंसी का हो, तकलीफ़ का हो, हंसी छोड़ दो, हंसी तो मैं एक मामूली बात है, वो सभी के लिए आती है, हंसी तो सब हंसते हैं। मतलब भाई दिल का दर्द हो, पेट का हो, जिस्मानी हो, माइंड का दर्द हो, मतलब मेरा कहने का तरीका मान लो कुछ भी दर्द हो, दर्द तो दर्द हो, जिस पे गुजरता है वो जानता है। मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, इनको आंटी जी को आराम लग गया, आप लोग यहाँ पहुँच गए, अगर आगे दिक्कत होगी आप इनको कुछ खिला लो पिला लो ले जाओ, धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर कुछ मतलब वो हो गया भाई, आराम लग गया, आपका भला हो गया, तो मेरा क्या चल गया कैप्सूल देने से। इतनी लंबी बात हो गई, 5 मिनट की, 6 मिनट की वीडियो हो गई। ये बात मैंने पता क्यों बताई है, थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। और भाई किसी को अगर मेरे पास में दवाई है, किसी को दर्द दिक्कत तकलीफ हो रही है, तो लो भाई ले लो, कुछ नहीं जाएगा, आप ठीक हो जाओ, वो बेचारे ठीक हो गए, अपने उन्होंने कुछ खिला पिला होगा, बहुत ज़्यादा वो होगी कि कुछ चलो तुम बहन कुछ खा लो, तुमने बहुत ऐसा कर, बहुत सी रुई। मैंने कहा बहन मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम आंटी जी को घर ले जाओ, उनको आराम लग गया। खैर 20 मिनट के बाद हम शहर पहुँच गए, वो बेचारी ठीक ठाक उतर गई, वरना बताओ वहीं फैल जाती, गाड़ी में सब रुकती, वो बेचारे बच्चा भी ले रहे थे, कहाँ कितनी तकलीफ भरनी पड़ती। तो वो तो टाइम का देखो पता नहीं होता। अभी मैं बताऊँ, मैं अपने ही कस्बे में कई दिन पहले की बात होगी, मैं गई थी, तो मैंने वो वही वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। मेरे पास में जो सड़कों पे बच्चे फिरते हैं, ऐसे एक बच्चा आ गया कि दीदी आप मुझे पैसे दे दो, 10 रुपये दे दो। मैंने कहा मैं पैसे नहीं दूँगी बिल्कुल भी। कई दिन पहले की बात हो रही, जब मुझे, मैं बिल्कुल थोड़ी ठीक सी थी, ज़्यादा ठीक नहीं थी, मैं किसी काम के लिए मार्केट गई थी। मैंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगी बिल्कुल भी, कुछ खाना है खिला दूंगी, जूस पीना है जूस पिला दूंगी। उनको आप जूस पिला दो, तो मैं गन्ने का जूस पी रही थी, तो मैंने जो गन्ने वाला जूस वाला भैया था, वह एक गिलास इस लड़की के नाम का भी बना, उसको जूस पिलाया। तो 10-5 रुपये किसी जगह हम किसी को खिला दें, या किसी को 10-5 रुपये दे दें, या किसी गरीब को खाना खिला दें, चप्पल भरा दें, कपड़े दिला दें, तो उसमें हम, हमारा कुछ नहीं घटेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी आत्मा पता नहीं हमें कितना आशीष देगी, कितना आशीर्वाद देगी, शायद उससे हमारा कहीं कोई भला हो जाए, या हमारे कोई पिछले दिन के बुरे कर्म हो, उनके कम, उन बुरे कर्मों का जो फल है वो थोड़ा कम हो जाए, हमारे पाप कम हो जाए, कुछ पता नहीं किसी चीज़ का। कुदरत वाला कहाँ को दे दें, कहाँ को निकाल लें, तो वो तो वो कहते हैं ना, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, वो कहाँ से हमने 10 लगाए वो हमें 20 दे दें, वो बात हो जाती है थोड़ी सी। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा, मैं छोटी छोटी ये चीज़ें करके बहुत अच्छी, बहुत खुशी महसूस करती हूँ किसी की हेल्प करने में, इन चीज़ों में। और हाँ, इत्तेफाक से एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपने घर जा रही थी तो एक बच्चा मेरे को मिल गया, कि उसने मुझसे कहा दीदी मुझे पैसे दे दो। यही बात मैंने कभी, मैं पैसे नहीं दूँगी, नंगे पैर फिर रहा है, चप्पल पहननी है, हाँ दीदी चप्पल पहना दो। मैंने कहा चल तुझे चप्पल पहनाऊंगी, मैंने उसको चप्पल पहनाने के लिए बोल दिया, ठीक है मैं तुझे चप्पल पहनाती हूँ। इत्तेफाक से क्या हुआ, जिस मैजिक में मैं बैठी हुई थी और मुझे भी बहुत लेट हो गया था, वो मैजिक चल पड़ी, तो मैं उसे चप्पल तो नहीं पहना पाई पर मैं उसे पैसे दे दिए। फिर मैंने बाद में ये चीज़ सोचा कि अब मुझे लेट हो रहा था, अगर थोड़ी देर पहले मिलता या मैं चलो एक मैजिक और छोड़ देती, अंधेरे में पहुँचती, थोड़ा सा बच्चे साथ में थे, मैं भी थोड़ा सा वो कर गई, तो मैं उसे पैसे ना देके चप्पल पहना देती। तो फिर मैंने ये बात दिमाग में लगाई कि मैं किसी को पैसे ना देकर उसे कुछ खिला दूँ पिला दूँ, उसे कपड़े दिला दूँ चप्पल दिला दूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हम, वैसे मैंने ये सुना भी है कि किसी को पैसे ना देकर उसे सामान दिला दो या उसे खाना खिला दो, वो ज़्यादा बड़ा पुण्य माना जाता है। तो मेरी बात आपको कैसी लगी, आप लोग मेरी बात से सहमत हो, मेरी बात कहीं गलत हो, या मैंने कुछ गलत प्रेजेंट किया हो, या बोलने का तरीका गलत हो, माफ़ कीजिएगा, बताइए मैंने सही किया या गलत किया, क्योंकि आप लोगों की राय के ऊपर भी डिपेंड करती है ये चीज़। भाई मैं अपनी तरफ से हर एक प्रयास ऐसा ही रखूँगी कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, खाने के लिए किसी को खाना पहुँचा पाऊँ, किसी गरीब को चप्पल पहना पाऊँ, किसी गरीब को कपड़े दिला पाऊँ, अच्छा लगता है। मेरी इच्छा थी, और देखो यूट्यूब चलाने से पहले मेरी बहुत सारी इच्छाएँ थी कि मैं किसी गरीब को कभी कुछ चप्पल पहना दूँ, जूते दिला दूँ, अगर मेरे पास उस टाइम पैसे होते तब भी मैं ये चीज़ करती। आज मेरे पास 2 पैसे हैं, जो कम है ज़्यादा है जो मैं कमा रही हूँ, उसमें से अगर 5 रुपये मैंने किसी गरीब को दे दिए
तो उससे मेरे कमी नहीं आएगी, उसकी आत्माओं का सी उसका उसका दिल क्या कहेगा कि कितनी भाई मेरे लिए वो करा ये करा, मतलब उसका मतलब जो है मन मन की अंदर की फीलिंग, उसके बिन बोले ही शब्द, उससे उसको तो छोड़ो मुझे उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी मैंने किसी के लिए कुछ करा। फिर भी कहीं ना कहीं वो भी ये बोलेगा कि वो भाई अच्छी थी मेरे लिए ऐसा कर गई, शायद उनका प्यार उनका हाव उनका भाव उनके मन से निकली दुआ कहीं लग जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, या मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशी आ जाए, या मैं और तरक्की करूं, या बहुत कुछ बहुत वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए फिर, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 10 मिनट की तो यही बात होगी, और जो वीडियो जाएगी 20-25 मिनट की हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।